नमस्कार, मैं दिव्या धरादत्त। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। जदयू पार्टी से बगावत करने के बाद पार्टी से अलग होकर खुद की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल चुके हैं। ये यात्रा दो चरणों में होगा। पहले चरण की यात्रा खत्म हो चुकी और अब दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत नालंदा जिले से होगी। 15 मार्च से फिर से इसकी शुरुआत होगी। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके उपेंद्र कुशवाहा 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा है। रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट से जीत दर्ज की है। एक समय कांटे की टक्कर के इस मैच में श्रीलंकाई टीम हावी नजर आ रही थी, लेकिन आखिर में बाजी कीवी टीम के हाथ ही लगी। श्रीलंका के इस हार से भारतीय टीम के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की राह पक्की हो गई है। मधेपुरा में फर्जी दस्तावेज पर सालों से शिक्षक की नौकरी करने का मामला सामने आया। जिले के चौसा भटगामा विद्यालय क्षेत्र के फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर 17 वर्ष से नौकरी कर रहा। आरोपी सत्यनारायण यादव लोहालगान पश्चिमी पंचायत के वार्ड 7 का रहने वाला है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता पीयूष गोयल के बयान को लेकर पलटवार किया है। खड़गे ने कहा है कि हमें किसी कॉलेज में डेमोक्रेसी की बात कहने पर देशद्रोही कहा जाता है। अगर पीएम खुद विदेश में ऐसी बात कहे तो सही और राहुल गांधी कहे तो गलत हो जाता है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा आने वाले दिनों में और बड़ा होगा। ईडी इस मामले में जमीन देकर रेलवे में भी नौकरी करने वाले से भी पूछताछ कर रही है। रेलवे इस मामले में जमीन देकर रेलवे में नौकरी लेने वालों से भी पूछताछ की तैयारी में। करीब 10 ऐसे लोग हैं जिन्हें ईडी ने अपने रडार पर लिया है। इनके नाम सीबीआई की प्राथमिक में भी है। दूसरी ओर सीबीआई एक बार फिर से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में समन भेजने की तैयारी में है। स्वाति मालीवाल ने शनिवार को जिस पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया था उसी पिता की तारीफ में कभी वो कसीदे भी पढ़ा करती थी। इसी आरोप के बाद अब उनके पुराने ट्वीट वायरल हो रहे। कांग्रेस की ओर से मालीवाल के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर करके हल्ला बोला गया है। कांग्रेस नेता राधिका खेरे ने स्वाति मालीवाल की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस आप को एक एक करके बेनकाब कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि लालू प्रसाद और परिवार के अन्य सदस्यों के आवासों पर छापे से नीतीश कुमार बहुत खुश हैं। बिहार के अररिया में रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को पता है कि लालू प्रसाद यादव का कुनबा जमीन के बदले नौकरी समेत कई घोटालों और गड़बड़ियों में डूब रहा है। इससे राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जेल जाना तय है। नीतीश कुमार इससे राहत महसूस कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन यानी OROP योजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी 20 जनवरी 2023 के केंद्र के संवाद को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है। इसमें कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन का बकाया 4 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रक्षा मंत्रालय 4 किस्तों में OROP एरियर के भुगतान पर केंद्र के संवाद जारी करके कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने पूर्व सैनिकों को OROP बकाया की 1 किस्त का भुगतान कर दिया, लेकिन बकाया भुगतान को पूरा करने के लिए कुछ और समय चाहिए। मदरसा शिक्षा बोर्ड से अंतरस्तरीय मौलवी परीक्षा पास करने के बाद छात्र सीधे मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ ही वाणिज्य के उच्च शिक्षा के लिए नामांकन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अब मदरसा शिक्षा बोर्ड भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तर्ज पर पाठ्यक्रम में आधुनिक बदलाव लाया है। परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा करने के लिए भी हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हो रही है। 113 दिन बाद रविवार को पहली बार दैनिक कोविड मामलों की संख्या में 500 पार हो गई। वहीं दूसरी तरफ H3N2 वायरस के मामलों में भी तेजी देखी जा रही है, जिसके लक्षण कोविड की ही तरह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सरकार की संशोधित MSME प्रतिस्पर्धी योजना भारत की आर्थिक वृद्धि के अहम स्तंभ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के उसके प्रयासों का हिस्सा है। सरकार ने शुक्रवार को संशोधित MSME प्रतिस्पर्धी योजना पेश की, जो उद्यमों और अन्य हितधारकों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म और देश के पहले हरित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। हुबली में सिद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 1,505 मीटर यानी 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है। बता दें कि पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 मीटर थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अपने वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 जारी किए हैं। इसमें मंत्रालय ने भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSA की यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश की है। चीन की तरफ से लगातार इस तरह के प्रयास हुए हैं, इसके चलते भारत चीन द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हुए हैं। सोशल मीडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूनावाला अपनी कंपनी की बनाई जा रही वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं ये वीडियो इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि भारत एक कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा।
सोशल मीडिया पर यूजर्स वीडियो को शेयर करते हुए ऐसा दावा कर रहे हैं कि भारत अगले कुछ महीनों में सस्ते दामों में कैंसर का टीका लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कीमत 200 से 400 रुपए के आसपास होंगी। हालांकि यह दावा पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। पाकिस्तान इन दोनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई है कि उनसे कहां गलती हुई, आज भारत इतना आगे निकल गया है और वह तबाही के मुहाने पर आ गए हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने बड़ी बात कही है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जनसंख्या नियंत्रित करने की जरूरत है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर करने की जरूरत है। केंद्र ने समलैंगिक शादियों को भारतीय परिवार की धारणा के खिलाफ बताया। केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि समान सेक्स संबंध की तुलना भारतीय परिवार की पति पत्नी से पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से नहीं की जा सकती है। सरकार ने कहा है कि जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में समलैंगिक विवाह की कोई निहित स्वीकृति शामिल नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट में सरकार ने कहा है कि ये गैर कानूनी नहीं है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 में आयकर रिटर्न में आय नहीं बताने या कम बताने को लेकर ई सत्यापन के लिए लगभग 68,000 मामलों को लिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रमुख नितिन गुप्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी। आयकर विभाग ई सत्यापन योजना के अंतर्गत करदाताओं को वित्तीय लेनदेन और भरे गए आईटी रिटर्न के बारे में वार्षिक सूचना विवरण में असमानता के बारे में बताता है। करदाताओं को अगर लगता है कि ई सत्यापन में बताई गई असमानता सही है तो वह इसके लिए स्पष्टीकरण देते हुए कर विभाग को जवाब भेज सकते हैं। बद्रीनाथ के लिए उड़ान भरने वाले कमर्शियल हेलीकॉप्टर से प्रति उड़ान इको डेवलपमेंट शुल्क के रूप में 1,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही सड़क मार्ग से आने वाले तीर्थयात्रियों को नगर पंचायत द्वारा डस्टबिन बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। इन बैग्स को वापस करने वालों को 20 रुपए भी वापस कर दिए जाएंगे। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीत इतिहास रच दिया है। श्रेणी में गीत नाटू नाटू ने फिल्म टेल इट लाइक अ वुमन के गीत अपलॉज, टॉप गन मैवरिक की गीत होल्ड माय हैंड, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिफ्ट मी अप और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के दिस इज द लाइफ को मात दी है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। यह 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। बैठक में आप जदयू DMK समेत करीब 15 दलों के नेता शामिल हुए हैं। विपक्ष की बैठक में सत्र के दौरान केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तय हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद संकेत दिए कि वे विपक्षी नेताओं पर ED और CBI की कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। भारत सरकार ने इस साल जनवरी माह में रिटायर्ड जवानों और अधिकारियों के लिए जो वन रैंक वन पेंशन के दूसरे अध्याय की अधिसूचना जारी की, उससे सिपाही से लेकर जूनियर कमांडिंग अफसर के तक के सेवानिवृत्त अधिकारियों में रोष है। हालांकि इसे लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर मेजर जनरल तक के अधिकारी खुश हैं। रक्षा मंत्रालय ने उप सचिव राजेंद्र कुमार गुप्त ने 28 फरवरी को एक और अध्यादेश जारी कर कहा है कि नई ROP जुलाई 2019 से लागू मानी जाएगी और सभी सेवानिवृत्त जवानों और अधिकारियों को एक ही किस्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की सदन में सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उनके सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए। ऑनलाइन तरीके से किए जाने वाले तमाम कामों में एक बहुत खास ऑनलाइन शिक्षा है। आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। यह सुविधा स्टूडेंट्स के लिए IIT गुवाहाटी भी लाया है। ऑनलाइन शिक्षा किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, ये मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी उपलब्ध है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए IIT गुवाहाटी के ओर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कराए जा रहे फ्री ऑनलाइन कोर्स सुनहरा मौका है। पिछले कुछ समय से चली आ रही अटकलों के बीच केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि जून तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फुल टाइम चेयरमैन अपॉइंट कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी दी कि LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती को इस पद के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से सिद्धार्थ मोहंती को 11 मार्च को अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो 14 मार्च से 3 महीने के लिए प्रभावी है। इसके बाद जून तक LIC अपना फुल टाइम अध्यक्ष चुन लेगा। पंजाब के अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा श्री हरिमंदर साहिब लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग मत्था टेकने आते हैं, जिसकी वजह से इस गुरुद्वारे साहिब का अलौकिक रूप, वही अब पंजाब के फाजिलका का एक गुरुद्वारा साहिब भी अपने अनोखे रूप की वजह से चर्चाओं में छाया हुआ है। फाजिलका के पुलिस लाइन में बनाए गए इस नवनिर्मित गुरुद्वारा साहिब की खास बात यह है कि पूरी तरह लकड़ी से बनाया गया है, जो देश में पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा साहिब है। ब्रिटेन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उसकी निंदा किए जाने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए सवाल किया। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करना, देश की आलोचना करना कब से हो गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि लोकतंत्र पर हमला प्रधानमंत्री करते हैं और इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री है, ना आप देश है, ना भगवान है और ना ही सृष्टि करता है। दिल्ली से दोहा जाने वाले इंडिगो फ्लाइट में आज एक यात्री की मौत हो गई। दरअसल इंडिगो फ्लाइट 6E 1736 को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कराची डायवर्ट कर दिया गया था। एयरलाइन ने बताया कि दुर्भाग्य से एयरपोर्ट पहुंचने पर
यात्री को एयरपोर्ट मेडिकल टीम ने मृत घोषित कर दिया। यह जानकारी एयरलाइन के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को दी है। इस मामले में अभी और जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मृतक यात्री नाइजीरिया का रहने वाला था। चीन से तनाव के बीच भारतीय नौसेना समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए 200 ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों की खरीदारी करेगी। रक्षा मंत्रालय इस डील को मंजूरी देने के आखिरी चरण में भारतीय नौसेना को मिलने वाले इन सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों को अग्रिम पंक्ति के युद्ध पोतों पर तैनात किया जाएगा। इन मिसाइलों के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस के लिए जल्द ही डील पक्की हो सकती है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ गई। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर संसद में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया और माफी मांगने की मांग की। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को पहले 2 बजे और फिर 14 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि पुलवामा हमला कहीं चुनाव जीतने के लिए तो नहीं हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम बीजेपी को समाप्त कर दें तो जुए जिसका मतलब था अडानी स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी पुलवामा अटैक पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाल उठाया था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार इरफान, बिट्टू कुमार राज, रविशंकर, विपिन लाल वर्मा, महेंद्र कुमार, एच के मल्होत्रा, अभिषेक राज, एमडी साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, संजय चौधरी, अंशु प्रिया, अर्जुन राम और एमडी नौशाद रजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा धार्मिक स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।